अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जैसे कि आप यहाँ सभी शोरा को कुछ शोरा को हमने सुना, सभी शायर का सबसे सभी शायर की शायरी का अलग अलग अंदाज अलग अलग रंग होता है। आपने बहुत अच्छे अच्छे रंग सुने। आइए थोड़ा संजीदगी की तरफ लेके चलता हूँ आपको। चार मिसरे पेश करता हूँ बच्चे, जो मैं उन बच्चों के मफहूम में वो चार मिसरे पेश कर रहा हूँ जी, जिनके हाथों से हालात और ज़िंदगी जो है खिलौना छीन कर उनके हाथों में जिम्मेदारियां दे देती हैं। समाज कीजिएगा चार मिसरे कुछ यूँ है कि ठीक है, चार मिसरे पेश करता हूँ कि बचपन ही था। शहदार मुन्ना भाई आ गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दें। आज के इस मुशायरे में हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान निहाल भाई भी आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आ जाए। आप लोग उनका भी इस्तकबाल कर दें। तो वो छोटे बच्चे को आप ध्यान में रखिएगा और मेरे चार मिसरे देखिएगा कि बचपन ही था वो उसका, जवानी भी नहीं थी। बचपन ही था वो उसका, जवानी भी नहीं थी। बचपन ही था वो उसका, जवानी भी नहीं थी। शेर देखिए, होना तो उसे चाहिए था खेल में मसरूफ, होना तो उसे चाहिए था खेल में मसरूफ, खेल में मसरूफ। इस उम्र में तो दुनिया कमानी भी नहीं थी। इस उम्र में तो शुभ्रे गजल का मतलब और चंद अशआर पेश करता हूँ। समाज कीजिएगा कि दुनिया पे है तो दीन पे रुझान नहीं है, दुनिया पे है तो दीन पे रुझान नहीं है, खालिक तेरा इस बात से अनजान नहीं है, खालिक तेरा इस बात से अनजान नहीं है। सजदे भी तेरे कर दिए तेरे लिए मुफीद, सजदे भी तेरे कर दिए तेरे लिए मुफीद, क्या तुझ पे तेरे रब का ये एहसान नहीं है। सजदे भी तेरे कर दिए तेरे लिए मुफीद, क्या तुझ पे तेरे रब का ये एहसान नहीं है। और शेर देखिएगा, शैतान भी शैतान है, हैवान भी हैवान, शैतान भी शैतान है,
हैवान भी हैवान, इंसान फकत तू ही तो इंसान नहीं है, इंसान फकत तू ही तो इंसान नहीं है। और एक शेर बहुत अफसोस के साथ पढ़ रहा है, इंसान फकत तू ही तो इंसान नहीं है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, मिसवाक भी बेदिल। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, मिसवाक भी बेदिल, सब कुछ है मगर सीने में ईमान नहीं है, सब कुछ है मगर सीने में ईमान नहीं है। बहुत शुक्रिया है। गजल के चंद अशार समाज कीजिएगा, फिर जहमत तमाम करता हूँ। सुनिएगा कि मतलब कुछ यूँ है कि जिंदगी की उलझनों में मुब्तला रहता हूँ मैं, मुन्ना भाई, जिंदगी की उलझनों में मुब्तला रहता हूँ मैं, वक्त निकला जाता है और सोचता रहता हूँ मैं, वक्त निकला जाता है और सोचता रहता हूँ मैं। और ये जो आज की तारीख में जो मोबाइल ने जो बर्बादी की है, उस हवाले से शेर समाज कीजिएगा। वक्त निकला जाता है और सोचता रहता हूँ मैं, क्यों ना खुशियाँ लौट कर जाती मेरे दर से भला, क्यों ना खुशियाँ लौट कर जाती मेरे दर से भला, घर में रहकर भी तो अक्सर लापता रहता हूँ मैं, घर में रहकर भी तो अक्सर लापता रहता हूँ मैं, क्यों ना खुशियाँ लौट कर जाती मेरे दर से भला, घर में रहकर भी तो अक्सर लापता रहता हूँ मैं। जिस किताबे इश्क को रखते हो तुम दिल के करीब, जिस किताबे इश्क को रखते हो तुम दिल के करीब, फूल की सूरत बने उसमें छुपा रहता हूँ मैं, फूल की सूरत बने उसमें छुपा रहता हूँ मैं। और शेर देखिएगा कि मौत तो हर हाल में आनी है, इससे क्यों डरूं, वाह, मौत तो हर हाल में आनी है, इससे क्यों डरूं, अपने बदामाल से बेदिल डरा रहता हूँ मैं, अपने बदामाल से बेदिल डरा रहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और चंद दो शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। कुछ यूँ है कि समाज कीजिएगा कि तुझको मुझसे या मुझे तुझसे गिला हो जाएगा। मतलब देखिएगा कि तुझको मुझसे या मुझे तुझसे गिला हो जाएगा, देख लेना इश्क एक दिन मसला हो जाएगा, देख लेना इश्क एक दिन मसला हो जाएगा। और देखिएगा कि यूं जुबां की खनखनाहट से डराओ मत मुझे, यूं जुबां की खनखनाहट से डराओ मत मुझे, इल्म के मैदान में आओ फैसला हो जाएगा, इल्म के मैदान में। बहुत शुक्रिया। यूं जुबां की खनखनाहट से डराओ मत मुझे, इल्म के मैदान में आओ फैसला हो जाएगा, मैं तो मकतब से निकाला जा चुका हूँ इश्क के। देखिएगा शेर, मैं तो मकतब से निकाला जा चुका हूँ इश्क के, ये बताओ फिर से मेरा दाखला हो जाएगा। मैं तो मकतब से निकाला जा चुका हूँ इश्क के, ये बताओ फिर से मेरा दाखला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जनाब शहजाद बेदिल साहब, जिंदगी के तजुर्बात और जिंदगी के कड़वाहटों से गजल बनाकर आपके सामने पेश कर रहे थे। आप सब उन्हें अपने दुआओं से नवाज रहे।